दोस्तों नमस्कार, एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एक ऐसा टॉपिक जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इस टॉपिक की स्टडी पहले ही हम कर चुके हैं फ्लूड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के अंदर, और फिर से हम लोग इसकी स्टडी करेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर। एक सिंपल टॉपिक है, यदि आप ध्यान से सुनते हैं और वीडियो पूरा देखते हैं तो समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं उनको समझेंगे, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे। लेकिन उससे पहले यदि हमें संक्षेप में ये पता चल जाए कि इसका क्या उपयोग है तो पूरा लेक्चर बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। तो संक्षेप में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब बिजली उत्पादन के लिए। अभी बिजली उत्पादन कैसे करता है तो इसके अंदर हम लोग वाटर का यूज करते हैं। वाटर मतलब जो पानी होता है, बांध वगैरह आपने देखे होंगे, जो बांध बने जाते हैं डैम, वहां पर जो पानी भरा रहता है ना, हम लोग नदी वगैरह पे डैम बना के पानी को रोकते हैं। उस पानी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। किस पर? टरबाइन के ब्लेड पर। जैसे ऊपर से हाइट से टरबाइन के ब्लेड पर पानी गिरता है, वाटर गिरता है, तो टरबाइन घूमता है। और टरबाइन जब घूमता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एक शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं, तो शाफ्ट भी घूमने लगती है। जब शाफ्ट घूमती है तो उससे हम लोग एक जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं, तो वो है जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है जो हमारे घरों में जलती है। लेकिन इसी को हम बिल्कुल कंसेप्ट बेसिस समझेंगे इंट्रोडक्शन से लेकर वर्किंग तक। तो अब हम बिल्कुल कंसेप्ट बेसिस सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसको आपको ध्यान से सुनना है। जो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है इसके थ्रू। सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है, हमने जो वाटर रोकने के लिए क्या बनाया, डैम बनाया। ये जो वाटर यहां पर स्थितिक कंडीशन में है तो इसके अंदर जो हमारी स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब स्थिर अवस्था में है, तो जो स्थिर अवस्था में वाटर होता है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम लोग क्या करते हैं, हाइट से जो यहां पर वाटर दिख रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है वाटर, ये जब ऊपर से नीचे गिरता है तो जो हमारा वाटर यहां पर भरा हुआ था इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। फिर क्या होता है, जो नीचे टरबाइन लगे जाते हैं, जो टरबाइन ऐसे लगे जाते हैं, इसमें ब्लेड ऐसे बने जाते हैं, ऐसे टरबाइन लगे जाते हैं, ये टरबाइन के ब्लेड पे क्या होता है, जैसे ही जो ऊपर से वाटर आ रहा है वो टरबाइन के ब्लेड पे गिरता है, तो टरबाइन क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वाटर की, वह किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। फिर टरबाइन घूमता है तो वह जो उससे घूमने से क्या होता है, शाफ्ट घूमती है, उससे जनरेटर जोड़ा जाता है, जनरेटर से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा ही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन हाइड्रोलिक पावर प्लांट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज, जो हमारा वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है टू रन द हाइड्रोलिक टर्बाइन विच इन टर्न और रन एज इलेक्ट्रिकल जनरेटर टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बस मैंने अपने तरीके से समझा दिया है, क्योंकि जो मैंने तरीका समझाया है वह आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो जैसा मैंने समझाया वैसा भी लिख सकते हैं, और जैसा यह डेफिनेशन में लिखा वो भी आप डायरेक्ट जैसे का तैसा उतार के आ सकते हैं। अब चलते हैं इसके कंपोनेंट समझेंगे। अब आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसे हम पावर प्लांट का लेआउट डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेआउट डायग्राम। इसमें जो भी नाम लिखे हुए हैं सब कंपोनेंट हैं, जिनसे पूरा हमारा जो इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करने का सिस्टम होता है, बांध से लेकर जिसे हम डैम बोलते हैं, पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम तक समझाया गया है। हमें इस डायग्राम को एग्जाम में बनाना है और एक्सप्लेन करना है। उसके लिए सबसे पहले एक एक पार्ट्स को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसका यहां पर क्या उपयोग है। सबसे पहले यहां पर लिखा रिजर्वायर। क्या लिखा? रिजर्वायर।
रिजर्वायर का मतलब होता है वाटर को स्टोर करना। अब वाटर दो तरह स्टोर होता है, एक तो हमारा जो वर्षा होती है, हमारी वर्षा के सीजन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो डैम बना देते हैं तो वहां पर क्या है, वर्षा का जो चारों तरफ का एरिया होता है वह वाटर कहाँ यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, तो वाटर भर जाता है और इसका हम लोग उपयोग सिंचाई के लिए भी करते हैं और टरबाइन को चलाने के लिए भी करते हैं। दूसरा क्या होता है, जो हम डैम बनाते हैं नदी के ऊपर भी बना देते हैं, तो नदी का पानी ऑलरेडी आ रहा है और वर्षा का भी पानी आता है, इस तरह बहुत सारा हमारा रिजर्वायर में वाटर इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा वाटर स्टोर करने के लिए रिजर्वायर। दूसरा यहां पर क्या दिख रहा है, डैम लिखा दिख रहा होगा, डैम क्या दिख रहा है, डैम। डैम जो बनाते हैं वो वाटर को रोकने के लिए बनाते हैं और जो डैम की हाइट वगैरह है, ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो सिविल के अंदर समझा जाता है। हमें डैम का उपयोग सिर्फ इतना समझना है कि ये किससे बना रहता है, तो ये आरसीसी से बना रहता है, मजबूत बना रहता है, जिससे इस पर कितना भी वाटर का दबाव आ जाए ये फेल नहीं होता है और इसकी हाइट भी इस तरह रखी जाती है कितना भी वाटर भर जाए तो ये क्या ऊपर से फ्लो नहीं होता है। और जब भी आपने सुना होगा गेट खोल दिए गए डैम के, तो गेट कब खोले जाते हैं, जब इसका जो दबाव है जितनी इसकी सीमा है उससे अधिक होने लगता है, तो हम लोग पानी के जो गेट होते हैं, गेट खोलते हैं डैम के, वो गेट खोल देते हैं, उससे इसका जो वाटर स्तर हुआ है धीमे धीमे कम होने लगता है। फिर आता है यहां पर लिखा ट्रेस रैक, क्या लिखा ट्रेस रैक, यहां पर लिखा ट्रेस रैक, ये देख रहा है ट्रेस रैक होता है, ये क्या है ट्रेस रैक है। इसका उपयोग होता है कि जो हमारा यहां पर पेनस्टॉक लगा, जिसके थ्रू वाटर हमारा, ये दिख रहा है, इसके थ्रू हमारा वाटर पेनस्टॉक रहता है, पूरा कहां जाता है टरबाइन तक जाता है, तो ये जो पेनस्टॉक है इसमें वाटर जाएगा, तो उसमें जो पेनस्टॉक है इसमें वाटर जाने से पहले ये जो वाटर है इसके अंदर कचरा रहता है, कीचड़ रहता है, इन सबको रोकने के लिए हम लोग स्टील का बना हुआ ट्रेस रैक का उपयोग करते हैं, जिससे जो कचरा वगैरह है, जो कीच वगैरह है, वो क्या होती भारी रुक जाती है, उससे क्या होता है साफ सुथरा वाटर हमारा पेनस्टॉक के अंदर जाता है और फिर उसमें जाम नहीं लगता है। फिर हमारा यहां पर लगा गेट एंड वॉल्व, गेट वॉल्व का उपयोग है कि जब हमें, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू टर्बाइन पर सप्लाई होती रहती है, हम उस टर्बाइन पर जो वाटर की सप्लाई हो रही टर्बाइन तक उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो उसके कंट्रोल के लिए यहां पर गेट एंड वॉल्व लगा हुआ है, ये लगा गेट एंड वॉल्व, ये लगा यहां लिखा भी है, इसका ओपन करके और क्लोज करके हम जो वाटर नीचे जा रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पहली बात। अब फिर यहां पर एक सर्ज टैंक लिखा, क्या लिखा सर्ज टैंक, लिखा सर्ज टैंक, ये प्रेशर टनल दिख रही है ये, तो ये सर्ज टैंक क्या होता है, अब मान लो इसके अंदर वाटर सप्लाई हो रहा है कंटिन्यू, किसके अंदर पेनस्टॉक के अंदर, इसको पेनस्टॉक बोलते हैं, जो देखा लिखा हुआ मैं बता देता हूं, ये जो पाइप टाइप का लगा पूरा यहां से लेकर यहां तक जो पाइप है इसे बोलते हैं हम पेनस्टॉक, जिसके थ्रू क्या होता है डैम से रिजर्वायर से वाटर को टरबाइन तक सप्लाई किया जाता है। पेनस्टॉक का फंक्शन क्या है यहां पर, वाटर को रिजर्वायर से टरबाइन तक फ्लो कराना, या इसके अंदर से, इस पाइप के अंदर से फ्लो होता है। अब बीच में मैंने सर्ज टैंक लगा दिया, क्योंकि हम जानते हैं जब वाटर की सप्लाई होती है तो प्रेशर भी बढ़ता होगा, क्योंकि यहाँ टरबाइन के ऊपर जो सप्लाई हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पाइप पर जो पेनस्टॉक है उस पर कितना प्रेशर आ रहा है, तो कई बार प्रेशर बढ़ जाता है, उस टाइम क्या होता है सर्ज टैंक में जैसे यहाँ वाटर फ्लो हो रहा है तो इसके ऊपर क्या होता है वाटर ऊपर को जाने लगता है, वाटर ऊपर को जाने लगता है, इससे क्या होता है जो नीचे वाटर जा रहा है ये जो पेनस्टॉक है इसमें क्या होता है इसका जो प्रेशर हुआ है रिलीज हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, इससे क्या होता है पेनस्टॉक इसके फटने के चांस कम होते हैं और फटता नहीं है, तो इससे क्या क्या है सिर्फ इतना काम समझ लो, इसका जो ओवर वाटर है उसको ऊपर की ओर सर्ज टैंक में चला जाता है, तो सर्ज टैंक का क्या फंक्शन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या होता है जो पेनस्टॉक है अब वो बेंड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा खाली छोड़ देंगे कोई भी पाइप है तो बेंड हो जाता है, इसलिए बेंड ना हो उसको रोकने के लिए सपोर्टिंग ब्लॉक का उपयोग करते हैं, यहां पर लगे सपोर्टिंग ब्लॉक लगे हुए हैं, इस सपोर्टिंग ब्लॉक का उपयोग करते हैं जिससे हमारा जो पेनस्टॉक है बेंड ना हो। फिर हमारा क्या टरबाइन में प्रवेश करने से पहले एक इनलेट वाल्व लगा रहता है, यहां पर क्या लगा रहता है इनलेट वाल्व लगा रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं यहां पर इनलेट के वाल्व के अलावा क्या एक नोजल भी लगा रहता है, नोजल से क्या होता है वह हाई प्रेशर से टरबाइन के ब्लेड पर क्या कर सकते हैं जो वाटर है ऊपर से आ रहा है उसको इंपैक्ट कराते हैं, क्या कराते हैं इंपैक्ट कराते हैं, जिससे टरबाइन दिख रहा है ये टरबाइन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वह हम लोग पढ़ चुके हैं और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन वह टरबाइन्स के ब्लेड होते हैं, उस ब्लेड पर क्या होता है यहां से जो वाटर आ रहा है वह सीधा टरबाइन के ब्लेड पर गिरता है, जब टरबाइन के ब्लेड पर वाटर गिरेगा तो टरबाइन क्या घूमने लगता है, क्योंकि उसमें एक रोटर लगा रहता है वह घूमता है,
वह जब पूरी तरह घूमता है, जब वह तेजी से घूमने लगता है यहाँ पर टर्बाइन, तो उसके साथ एक शाफ्ट लगी यहाँ पर, देखा शाफ्ट, वो शाफ्ट क्या है, इधर टर्बाइन के रोटर से ऊपर जनरेटर से कनेक्ट होती, क्या ऊपर जनरेटर से कनेक्ट होती, उससे क्या होता है जनरेटर की जब शाफ्ट घूमेगी तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या, ये ट्रांसमिशन कक्ष लिखा, इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर स्टोर होगी, फिर लाइन बिछा के हम जो सप्लाई करते हैं अलग अलग जगह, वहां पर हम क्या करते हैं पूरी जो भी लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, बिजली प्रोड्यूस हो रही है, उसको आगे सप्लाई करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। अब यहाँ पर ड्राफ्ट लिखा, क्या लिखा, ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट आप समझ जाओगे, जब वाटर गिरेगा टर्बाइन के ऊपर तो वाटर गिरने के बाद कहाँ जाएगा, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ड्राफ्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ड्राफ्ट बना देते हैं टेलरिस। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन होता पूरा बना हुआ, उसके लिए टेक्निकल डाटा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्निकल डाटा नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझाने वाला हूं। तो ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता, तो इस डायग्राम को बना के हमें कुछ नहीं करना। वैसे बहुत सारा मैं पीडीएफ जो मैंने प्रोवाइड कराई है ईवी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर बहुत कुछ लिखा रहता, आप उसको पढ़ें, ऐसा नहीं पढ़ें, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सब कुछ उसमें आपको लिखे मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं समझा रहा हूँ, वह आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे ईवी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। ईवी क्लास एप्लीकेशन जिसके पास नहीं है वह डाउनलोड कर सकते हैं, एक मैंने वीडियो बना दिया है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती तो हमसे कॉन्टैक्ट करके भी बात कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट सभी सब्जेक्टों का कोर्स ले सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं ना, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी या फिर वीडियो कोर्स जैसा भी चाहें वैसा मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लें। अब हम बात करेंगे वर्किंग की, तो वर्किंग बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लोग जो वर्षा का जल होता है या हमारी नदियों का रिवर का जल होता है उसको हम एक डैम बनाकर रोकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। रिजर्वायर में का जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उस पोटेंशियल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वाटर को एक पेन स्टॉक के थ्रू क्या करते हैं, टर्बाइन तक हम उसको भेजते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा ये वॉल्व लगा रहता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस वाटर की जो हमारा पेन स्टॉक के थ्रू जा रहा है उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक सर्ज टैंक भी लगाते हैं, सर्ज टैंक का उपयोग करते हैं प्रेशर, जो हमारा प्रेशर बढ़ता है पेन स्टॉक के अंदर उसके प्रेशर को रिलीज करने के लिए, जब प्रेशर बढ़ जाता है पेन स्टॉक के पाइप का जो डायमीटर होता है वह भी इतना रहता है कि मतलब काफी रहता है, जिससे क्या जो वाटर है वह इतना फ्लो हो सके कि हमारे टर्बाइन को उतनी स्पीड से घुमा सके जितनी हमें जरूरत है। फिर क्या होता है, जो हमारा पेन स्ट्रोक है उसके सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, सपोर्टिंग ब्लॉक भी ब्लॉक्स लगा देते हैं जिससे हमारा पेन स्ट्रोक बेंड ना हो। फिर आगे हम जाके क्या करते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है जिससे हमें प्रेशर के अकॉर्डिंग, जितने प्रेशर से हमें वाटर को इम्पैक्ट कराना है टर्बाइन के ब्लेड पर उसका प्रेशर यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही जो हमारी वाटर है वह टर्बाइन के ब्लेड पर इंपैक्ट करता है, अपना फोर्स लगाता है, तो जो हमारा वाटर है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वह किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, टर्बाइन के ब्लेड घूम रहे हैं, और टर्बाइन क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ जलाशय में वाटर भरा था उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब हम ऊपर से वाटर नीचे टर्बाइन पर गिराते हैं तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर शाफ्ट घूम रही है, शाफ्ट घूम रही है, उससे जुड़ा हुआ जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग नॉर्मली जो भी हम डोमेस्टिक कह सकते हैं या कहीं भी, चाहे वो सिंचाई के कामों में हो, चाहे घरेलू कामों में हो, डिफरेंट टाइप्स की जो यूज है इलेक्ट्रिसिटी के वहां पर इसका यूज करते हैं। और नीचे पीछे एक ड्राफ्ट लगा देते हैं, एक टेलरेस होता है जिस लेवल का रहता है, टेलरेस का लेवल रखा जाता है, मतलब यहाँ पर वाटर हम आराम से बाहर फिर से उसको रिटर्न कर सकें, क्योंकि यहाँ से जो वाटर गिरेगा वो टर्बाइन के अंदर तो भरा नहीं रहेगा, वह गिरने के बाद बाहर जाता है, तो उसको हम यहाँ पर भेजते हैं, उसके लिए पूरा ड्राफ्ट बना देते हैं। और ड्राफ्ट के थ्रू क्या होता है, जो इसके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, इसके अंदर जो वाटर ऊपर आ रहा है उस एनर्जी का हम लोग फिर से उपयोग कर लेते हैं किसी न किसी टर्बाइन में। तो इस तरह आपको लिख कर आना है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर उस पीडीएफ को पढ़ लें, तो जो मैंने समझाया है वह आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।